तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग होने वाला है गैबियन पर। तो आज हम गैबियन का लेआउट ले रहे हैं। तो गैबियन का लेआउट कैसे कैसे लेते हैं और गैबियन कैसे बनाया जाता है, इसको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गैबियन का लेआउट। कौन सा नंबर का था ये? क्या है? घर में लिखा हुआ है। तो साइड से और जाओगे? ग्यारह मीटर का। साइड से और आगे दस। साथ में होगा, चलो। लेआउट होने के बाद अब हम नींव की खुदवाई करवाएंगे। जैसे गैबियन का लंबाई है 10 मीटर, तो जैसे हम सतह से हमको 2 फीट नीचे गड्ढा खुदवाना है ताकि वहाँ पर जाली हम बिछा सकें। निचली सतह को समतल बनाना है जिससे हम जाली को अच्छे से वहाँ पर बिछा सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जाली बिछा हुआ है। इस प्रकार सभी जाली को सीधा सीधा बिछा देंगे और जाली बिछाने के बाद हम पत्थर उसके ऊपर रखते जाएंगे एक परत। पत्थर को पूरा निचला सतह में पूरा, इसको बोलते हैं अफ्रॉन। अफ्रॉन में पूरे पत्थर को रचना है पूरा पैक होते तक। जब पूरा पैक हो जाएगा तो हम जब जो तार के जाली को हम ऊपर से पलटा देंगे और उसको पैक करेंगे। तार के जाली को पलटा के पैक करने के बाद अब हम मेन वाल के लिए जाली तार खड़े करेंगे। दोनों साइड मेन वाल का जो चौड़ाई रहेगा 1 मीटर और साइड वाल का भी चौड़ाई रहेगा 1 मीटर। तो इस प्रकार हम मेन वाल और दोनों तरफ का साइड वाल को भी खड़े कर देंगे। जाली तार खड़ा हो जाने के पश्चात हम जाली तारों में पत्थर डालेंगे, पत्थर से पैक करेंगे और इसका हाइट नाला की ढलान के अनुसार, अगर किनारा अच्छा है तो कम से कम 80-90 से 1 मीटर तक हाइट रख सकते हैं। और नीचे में एक सीढ़ी नुमा फिर बनाएंगे। पूरे जाली में पत्थर डालने के बाद उसको हम जाली से ऊपर से जाली लगाकर तार के सहायता से अच्छे से बांध देंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम जाली तार खड़े करते हैं उस समय हमको सपोर्टर की जरूरत होती है, तो बीच बीच में हम लकड़ी का खूंटा डाल देते हैं, लकड़ी का बल्ली, जिससे पत्थर तार को न तोड़े। यहाँ पर देखिए अच्छा से पैक कर रहे हैं, जिसको कटर की भी ज़रूरत होगी यहाँ पर जाली को काटने के लिए, तो कटर के माध्यम से हम जाली को काट रहे हैं और किनारे को अच्छे से तार से बांध देंगे। तो लीजिए, हमारा गैबियन बनकर तैयार। तो इस प्रकार गैबियन
बनकर रेडी है।